लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट वन की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 2437 इफ ए इज इक्वल टू 79 एंड सी इज इक्वल टू 97, देन फाइंड द एंगल बीटा। सो डिस्टेंस हमने यहां पे एंगल जो बीटा है वो कैलकुलेट करना है, जबकि हमें यहां पे टू साइड्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो दे दिया गया है। अब डिस्टेंस देखें, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें गिवन है और हमें साइड कौन कौन सी गिवन है, ए और सी। सो डिस्टेंस हमने बीटा कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस हम यहां पर फर्स्ट केस को यूज करेंगे सोल्यूशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2437 है हमारे पास, ए मेरे पास है जी 79, बी मैंने जो बीटा है चलें सी इज इक्वल टू जो है वो मेरे पास है जी 97 के, और मैंने एंगल जो बीटा है वो क्या करना है जी कैलकुलेट करना है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट केस यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो जब ए सी होता है हमारे पास तो साइन के साथ एंगल बीटा आता है, ये हमारे पास आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास है जी 2437 इज इक्वल टू 1/2, ए की वैल्यू है जी मेरे पास 79, सी की वैल्यू है जी 97, साइन बीटा ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस हम इसको क्या करते हैं जी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो टू इधर जो है वो डिस्टेंस क्या हो रहा है जी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग होगा। सो टू मल्टीप्लाइंग बाय 2437, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी जी 4874 इज इक्वल टू, इन दोनों का मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ जी 79 × 97, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 7663 साइन ऑफ बीटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे ये जो है वो मल्टीप्लाइंग और इधर आकर डिवाइड होगा। सो 4874 डिवाइडेड बाय 7663, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 4874 डिवाइडेड बाय 7663, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी साइन बीटा इज इक्वल टू 0.6360 एंड अप टू सो ऑन। सो हमने बीटा की वैल्यूज निकालनी है, सो बीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा जी साइन इन्वर्स ऑफ 0.63, सो शिफ्ट का बटन प्रेस करें, साइन का बटन प्रेस करें और आंस। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका जो आंसर है बीटा का वो आ जाएगा जी 39° & 20' आप इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है जो अप्रॉक्सीमेटली 39° & 30' भी लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 121.34 इफ अल्फा इज इक्वल टू 32° 15', बीटा इज इक्वल टू 65° 37', देन फाइंड सी एंड एंगल गैमा। सो डिस्टेंस हमने यहां पे जो एंगल गैमा और साइड सी कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस देखें, यहां पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और टू एंगल जो है वो हमें गिवन है। सो डिस्टेंस जब भी हमें टू एंगल गिवन होते हैं तो हम सेकेंड केस यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के अंदर हम उसको बताते हैं, इसका डाटा जो है वो ये है, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 121.34,
अल्फ़ा जो है वो मेरे पास है जी 32 डिग्री एंड 15 मिनट, बीटा इज़ इक्वल टू 65 डिग्री एंड 37 मिनट, जबकि मैंने सी कैलकुलेट करना है और एंगल गैमा कैलकुलेट करना है। सो डी सेंस, सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल गैमा को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है ये जो एंगल हैं ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और ट्राइंगल्स के एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गई मेरे पास। सो डी सेंस, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। अल्फ़ा की वैल्यू है जी मेरे पास 32 डिग्री एंड 15 मिनट, प्लस बीटा की वैल्यू है जी मेरे पास 65 डिग्री एंड 37 मिनट, गैमा हमने कैलकुलेट करना है जी 180 डिग्री। इन दोनों को मैं सम कर लेता हूँ जी, 32 डिग्री एंड 15 मिनट प्लस 65 डिग्री 37 मिनट। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे पास आ जाएगा जी 97 डिग्री एंड 52 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर फ्रेंड्स, गैमा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, इसको उठा के इधर ले आए, सो 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री 52 मिनट। सो गैमा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस आंस कर दें। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे पास आ जाएगा जी 82 डिग्री एंड 8 मिनट। सो ये मेरे पास गैमा कैलकुलेट होके आ जाएगा जी। अब हमने डिस्टेंस साइड सी कैलकुलेट करनी है, तो साइड सी कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड केस को यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जब हमें एंगल अल्फा और बीटा दिए जाते हैं, सो न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी अल्फा और बीटा, डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास आ जाएगा जी 2 साइन ऑफ गैमा। सो डिस्टेंस, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 121.34 इज इक्वल टू सी, मैंने निकालना है सी स्केयर एज इट इज, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है जी मेरे पास 32 डिग्री एंड 15 मिनट, एंड साइन बीटा की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 65 डिग्री 37 मिनट डिवाइडेड बाय 2 साइन, गैमा की वैल्यू जी 82 डिग्री एंड 8 मिनट, ये आ गई मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इनको क्या करते हैं, एक दफ़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो 121.34 इज इक्वल टू साइन 32 डिग्री 15 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन 65 डिग्री एंड 37 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी सी स्क्वायर इंटू 0.486 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 82 डिग्री एंड 8 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी 1.98117। सो यहाँ पे डिस्टेंस ये डिवाइड और इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग होगा, सो दिस इंप्लाइज दैट 0.4860 इज इक्वल टू 121.34 इंटू 1.98111। सो इनका मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ जी 121.34, सो मेरे पास आ जाएगा जी 0.4860 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 240.3962, ये आ गया मेरे पास। सो दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 240.3962 डिवाइडेड बाय 0.486, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 4.4860। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49.6423 89। सो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, सो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी
स्केयर रूट एंड आंस करें, सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 22.24, और डिस्टेंस हमारे पास यही बुक के ऊपर भी आंसर है 22.24, सो ये मेरे पास सी भी कैलकुलेट होके आ गया। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वन साइड ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर, इफ इट्स टू कॉर्नर एंगल 22 डिग्री 1/2 एंड 112 डिग्री 1/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ RS 5 पर स्क्वायर मीटर। सो डिस्टेंस हमने जो टोटल कॉस्ट है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस देखें, यहाँ पे एक हम ट्राइंगुलर गार्डन जो है वो बनाते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर गार्डन है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, बी सी, हम जानते हैं यहाँ पे एंगल अल्फा होगा, यहाँ पे मेरे पास गैमा और यहाँ पे मेरे पास बीटा होगा, ठीक है। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं डिस्टेंस लेट कर लेता हूँ जी, लेट अल्फा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, ठीक है जी। इसको मैं लिख सकता हूं 22 डिग्री एंड 30 मिनट, कैसे मैं लिख सकता हूं। अब डिस्टेंस देखें, यहां पे 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, सो 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 1 डिग्री, सो 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाइंग बाय 60 मिनट, 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है जी 60 मिनट के। सो जब इससे मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, सो 22 डिग्री प्लस 30 मिनट, सो 22 डिग्री 30 मिनट मेरे पास आ जाएगा जी, ठीक है जी। इसी तरह डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ, जो मेरे पास बीटा है वो है 112 डिग्री 0.5, जब आप 1/2 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 ही आता है ना, सो इसको भी मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ 112 डिग्री 30 मिनट के। अब डिस्टेंस अगर हम एंगल अल्फा और बीटा ले रहे हैं, एंगल हम अल्फा और बीटा ले रहे हैं, फिर साइड हमारी कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस वो साइड फिर हमारे पास क्या होगी जी सी साइड होगी, तो इसको मैं फिर सी साइड का नाम दे देता हूँ जी 30 मीटर के। डिस्टेंस याद रखिए कि ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप बीटा और गैमा लेट करते हैं तो जो साइड होगी वो फिर ए होगी, ठीक है, या फिर अगर आप बीटा और चलें अल्फा और गैमा ले लेते हैं तो फिर आपके पास जो साइड होगी वो बी होगी। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इसका कुछ डाटा था। अब हम डिस्टेंस इसका सबसे पहले क्या करते हैं जी, एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन जो आएगा वो, और जो हमारे जो उसने हमसे डिमांड की हुई है, उसने कहा जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ऑफ ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर, तो फिर हम उसको 5 से क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाइंग करवा देंगे, सो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब हमें डिस्टेंस टू एंगल्स गिवन होते हैं तो हम सेकंड केस को यूज करते हैं, इज इक्वल टू, अब इसे सी हमारे पास साइड है, सो सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 sin of gamma, ये आ गई मेरे पास। लेकिन डिस्टेंस अभी हमारे पास साइड गैमा एंगल गैमा जो है वो मौजूद नहीं है, सो हम पहले वो निकालते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 22 डिग्री 30 मिनट प्लस 112 डिग्री 30 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिस्टेंस हम पहले इसको क्या करते हैं जी, सम कर लेते हैं जिसका, 22 डिग्री 30 मिनट प्लस 112 डिग्री 30 मिनट, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी ये 135 डिग्री एंड 0 मिनट, तो वो हम नहीं लिख रहे, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो डिस्टेंस गैमा इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, सो गैमा मेरे पास आ गया जी 45 डिग्री। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो इज इक्वल टू सी की वैल्यू जी मेरे पास 30 का होल स्क्वायर साइन, अल्फा की वैल्यू है जी मेरे पास 22 डिग्री एंड 30 मिनट साइन, बीटा की वैल्यू है जी मेरे पास 112 डिग्री एंड 30 मिनट डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस हम इसको क्या कर लेते हैं जी, सॉल्व आउट कर लेते हैं जी, 30 स्क्वायर साइन 22 डिग्री 30 मिनट इंटू साइन 112 डिग्री 30 मिनट। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 318.198.05.15 डिवाइडेड बाय 2 साइन 45 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी ये 1.4142। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी थ्री, अगर इसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ 318.198.105.15 डिवाइडिंग बाय सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 225। सो डिस्टेंस टोटल जो कॉस्ट है वो मेरे पास आ जाएगी जी, टोटल कॉस्ट उसको मैं 5 से मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ जो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आई है। सो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 1125 आरएस, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 12.7 वो कंप्लीट हुई। आपने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा, जो कुछ आपको समझ आई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस लेक्चर्स के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपना फीडबैक लाजमी जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई किसी किस्म का हम में अगर कमी है तो हम फर्दर उसको इम्प्रूव करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा। किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।